अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूकर माइकोसिस के बारे में, जो कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है, जो कि कोविड के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है हमें देखने को और सुनने को मिल रहा है। इस बीमारी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार में जानकारी हासिल करेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है, इसके होने के क्या कारण होते हैं और इस बीमारी को कैसे हम पहचाने, इसके सिम्टम लक्षण क्या क्या होते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों म्यूकर माइकोसिस जो है एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। जो ये इन्फेक्शन होता है ये बहुत ही रेयर बीमारी होती है और ये ज्यादातर जो डायबिटीज मरीज होते हैं जिनका शुगर अनकंट्रोल होता है, या फिर ये जो है ये उन पेशेंट को अफेक्ट करता है जिनके शरीर की इम्यूनिटी जो है कम होती है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट कैंसर का है और वो केमोथेरेपी के ऊपर है, या फिर जो है पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, जैसे कि HIV के पेशेंट होते हैं, या फिर जो है पेशेंट ट्रांसप्लांट का है और वो कुछ इम्यूनो सप्रेशन जो दवाइयां होती है जिससे शरीर की इम्यूनिटी जो है कम होती है, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको जो है ये बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन कोविड होने के बाद में ये इन्फेक्शन जो है काफी ज्यादा जो है हमें दिखाई देने लगे हैं फिलहाल इंडिया के अंदर। एक बात मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि म्यूकर माइकोसिस जो है और कोविड बीमारी जो है ये दोनों ही अलग अलग बीमारी है और कोविड से ये बीमारी नहीं होती है। ये बीमारी होने का कारण है जो कि मैंने आपको बताया कि ये ही इसके मुख्य कारण होते हैं, शरीर की इम्यूनिटी डाउन होना, या फिर शरीर के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है उन मरीजों में, या फिर जो है ट्रांसप्लांट के जो केसेस होते हैं उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा प्रचलन में, ज्यादा तादाद में जो है देखी जाती है। और जो ये बीमारी है ये मनुष्य से बनाई हुई ही बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर जो है हम इस तरह के मरीजों में ही देखते थे। लेकिन जब कोई कोविड के पेशेंट को जो है हम स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन ज्यादा देते हैं या फिर उसका मिसयूज ज्यादा होने लगता है, तो उसकी वजह से शरीर के ऊपर दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये सबसे पहला है, ये लंग के इन्फेक्शन को जो है कंट्रोल करता है, उसके जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कंट्रोल करता है। उसी के साथ में ये जो है शरीर की इम्यूनिटी को भी डाउन करता है। और दूसरा इम्पैक्ट यह है कि ये शरीर के जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको बढ़ाता है। तो हमने जो पोस्ट कोविड में देखा है कि किसी पेशेंट को अगर कोरोना हो गया है और वो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको जो है डायबिटीज भी डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं इनको स्टेरॉइड दिया जाता है और स्टेरॉइड देने के बाद में शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है ज़्यादा बढ़ने लगता है और पेशेंट को डायबिटीज भी जो है डिटेक्ट होता है। और जो दूसरा है वो है पेशेंट की जो इम्यूनिटी कम होती है, तो ये एक जो है फेवरेबल एनवायरमेंट बनता है इस एक प्रकार के फंगस को ग्रो करने के लिए, और जो है म्यूकर माइकोसिस उसी का एक रिजल्ट है। और जिस पेशेंट को भी ये म्यूकर माइकोसिस होता है तो ये ज्यादातर पेशेंट को नाक को पहले अफेक्ट करेगा और आंख को अफेक्ट करेगा, फिर जो है ये दिमाग को अफेक्ट करता है, या फिर हमारे छाती के फेफड़ों को, या फिर पेट की आंतों को। तो ज्यादातर जो है पेशेंट को पहले ये नाक से ही स्टार्ट होता है और वहां पर जो है पेशेंट को कंटिन्यूसली नाक से पानी आना चालू होता है और फिर ये जो पानी होता है ग्रीनिश कलर का हो जाता है। कभी कभी जो है पेशेंट को नाक से डिस्चार्ज होने लगेगा और कभी कभी जो है पेशेंट को नाक से जो है ब्लीडिंग भी हो सकती है और सर में दर्द होता है पेशेंट को। इन्फेक्शन जो है अगर दिमाग की तरफ ट्रेवल करे, यानी कि हमारे जो मगज होता है उसमें अगर ये इन्फेक्शन जाए तो पेशेंट की जो है सर में दर्द के साथ में पेशेंट को बुखार आ सकता है, उल्टी की शिकायत हो सकती है। और अगर ये आंखों के ऊपर इन्फेक्शन जाए तो पेशेंट की जो है आंखों के ऊपर सूजन आ जाती है, आंख की जो विजन होती है वो खत्म हो जाती है और एक प्रकार की जो है पेशेंट की जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन मल्टी ऑर्गन फेलियर भी कर सकता है। अगर ये इन्फेक्शन छाती में यानी कि लंग्स को अफेक्ट करे तो पेशेंट को जो है खून की खांसी हो सकती है, सांस फूलती है, बुखार आता है। अगर ये इन्फेक्शन पेट को इन्फेक्ट करे तो पेशेंट को जो है पेट में दर्द होगा, या फिर पेशेंट को जो है खून का जो है लैटरिन होने लगेगी और पेशेंट को बुखार आता है। तो ये इन्फेक्शन जो है अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है जिस पार्ट पे भी ये अफेक्ट करे। और ये म्यूकर माइकोसिस होने से जो है हम पेशेंट को बचा सकते हैं
कम से कम स्टीरॉयड का यूज करके पेशेंट के ऊपर, जो भी पेशेंट कोरोना के हैं उनमें डॉक्टर के मॉनिटरिंग के अंदर ही जो है पेशेंट को स्टीरॉयड दिया जाना चाहिए, और स्टीरॉयड की डोजेज जो है उसको कम से कम दिनों तक पेशेंट को दी जाए, और पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद में जो स्टीरॉयड जो है वो अपना असर दिखाना ज़्यादा चालू कर देता है, क्योंकि स्टीरॉयड को चालू करना तो बहुत ईजी है लेकिन उसको बंद करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो जब भी स्टीरॉयड पेशेंट को दिया जाता है तो उसको जो है टेपरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो टेपरिंग ऑफ डोसेस होता है वो डॉक्टर के सुपरविजन में होना जरूरी होता है। सेल्फ मेडिकेशन आप बिल्कुल ना लें, डॉक्टर की सलाह में ही आप जो है दवा ले सकते हैं। और जो म्यूकर माइकोसिस के इन्फेक्शन होते हैं उनको आप जो है आगे ये बीमारी ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा ना फैले, इसके लिए जो है आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेजेरियम आप दे सकते हैं पेशेंट को, वन एम पोटेंसी में दीजिए 2 ड्रॉप, केवल एक ही सिंगल डोज काफ़ी है, और इसी के साथ में आप दे सकते हैं आर्सेनिक एल्बम का 200 का डोज, ये जो है आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 हफ्ते तक दीजिए। नॉर्मली 1 हफ्ते के अंदर अगर रिकवरी हो जाती है तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो आप नियर बाई डॉक्टर को संपर्क करें या फिर अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो म्यूकर माइकोसिस के ऊपर, आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय भारत।